हाँ नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी मैं आपको लेकर आया हूँ सिल्वर ग्लेड की जो न्यू लॉन्च हो रही है सेक्टर 59 में प्रोजेक्ट, उसकी साइट पे। जैसा आप देख रहे हो ऑलरेडी फेंसिंग हो चुकी है, रेरा बहुत जल्द आने वाला है और ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट विद द लो डेंसिटी आपको मिलने वाला। अगर आप अपने सपनों का घर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे ढूंढ रहे हैं, अरावली रेंजेस की गोद में एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट सिल्वर ग्लेड्स का आपको मिलने वाला है। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सिल्वर ग्लेड्स जो है अपने आप में 30 इयर्स की माइलस्टोन के साथ आज भी गुड़गांव मार्केट में है। उन्होंने गुड़गांव में वेदर यू टॉक अबाउट मानेसर, वेदर यू टॉक अबाउट सुशांत लोक, बहुत से ऑलरेडी डिलीवरी किए हुए हैं। और एमजी रोड में आज भी जो नंबर वन प्रोजेक्ट है लग्जरी के मामले में वो है आपका लैबर्नम। जी हाँ, सिल्वर ग्लेड इज द डेवलपर आईटीसी लैबर्नम जो कि उसने डिलीवरी किया। और उस समय माइवन कंस्ट्रक्शन कोई नहीं जानता था। आज से शायद 5 साल पहले मैं आपको बोलता कि कोई माइवन कंस्ट्रक्शन की भी कोई चीज होती है तो शायद आपने भी नहीं सुना होगा। और आज के डेट में हर डेवलपर वो माइवन कंस्ट्रक्शन को यूज कर रहा है। और उसके पीछे रीजन यही है कि इसके जो ऑनर है वो खुद में ही बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। और जितने जो आपके गोल्फ कोर्स बनते हैं, गोल्फ लिंक्स बनते हैं, उन सबके आर्किटेक्चर जो है वही डिजाइन करते हैं। इसी वजह से मानेसर में जो उन्होंने विलाज निकाला वो आज भी उतने ही प्रीमियम जोन के रूप में माने जाते हैं और लोग वहां आज भी ड्रीम आउट करते हैं कि रीसेल में कुछ मुझे वहां पे मिल जाए। लैबर्नम भी उसी तरीके से प्रोडक्ट है, वहां पे भी आपको सारे व्हाइट कॉलर पीपल आपको वहां मिल जाएंगे। और उसी तरीके से इन्होंने कुछ और भी प्रोजेक्ट निकाले थीम वाइज। गुड़गांव में पहली बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया था जहां पे सीनियर सिटीजन को एज अ थीम लेकर बनाया जाए, उनको एज अ रिस्पेक्ट वे में रखते हुए इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सोना में, एंड दैट वाज बाय द नेम ऑफ द मीलिया। वो आज भी प्रोजेक्ट सेल आउट हो रहा है, बहुत ही यूनिक थीम के साथ इन्होंने वो प्रोजेक्ट निकाला था। आज भी न जाने कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि गुड़गांव में रहते हैं, जिनके जो बच्चे हैं या तो बाहर पढ़ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं और अभी भी वो लोग जो हैं यहाँ पर अकेले रहते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए और उनके एक तरह के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने द मेलिया करके वो प्रोजेक्ट निकाला था। रही बात उसकी, अब मैं बताता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 59 में है, आयरो ग्रैंडा जिसके साथ में पड़ता है और साथ ही साथ सारे आपके SEZ इसके अपोजिट में पड़ते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी इसके आसपास की लोकैलिटी दिखाता हूं, तो पहले वो देखते हैं फिर प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझाता हूं आपको। सो लेट्स कैच अप द एंटायर सिनेरियो। तो इसके ठीक सामने में आप जैसा देख रहे हो ये टाटा का SEZ है जो कि ऑलरेडी एक एक करके लीज आउट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ जॉनसन करके कंपनी है, उसने काफी बड़ा एरिया लिया है। फिर मैं थोड़ा सा आपको राइट हैंड साइड में दिखा रहा हूँ, जैसा आप देख रहे हो ये है एसेंडास का ITSEZ। ऑलरेडी इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने स्पेस लिया हुआ है। ऑप्टम सबसे पहले यहाँ पे आया था, उसके अलावा फिर स्ट्राइकर ने यहाँ लिया, उसी तरीके से 3-4 कंपनीज ने यहाँ लिया और धीरे 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 करके यहाँ पे और भी टावर्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन है, इस वजह से इट इज सराउंडेड बाय ऑल द बिग कॉर्पोरेट्स। नाउ इफ यू सी ऑन दिस साइड, दीज आर द अरावली रेंजेस एज यू कैन सी हियर। तो ये सारे अरावली रेंजेस आपको दिख रहे हैं। यहीं पे आइडियो का भी प्रोजेक्ट है, यहीं पे आपको महिंद्रा लुमिनियर है, यहीं पे आपको सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं और आसी पास में M3M का भी प्रोजेक्ट आने वाला है, कुछ DLF के भी पैचेस यहाँ पे है। तो सारे लग्जरी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे ही मिलते हैं। तो इस लोकेलिटी के अंदर में जहाँ पे पीसफुल सारा का सारा इन्वायरमेंट हो, फ्रेश एयर आपको मिले, जहाँ पे अरावली रेंजेस लेफ्ट और राइट हैंड साइड में आपके हो, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड एंड मस्ट बाय। इसके अंदर अब प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स है वो आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट की डिटेल्स ये है कि इसके अंदर टोटल 5 टावर्स आने हैं 10.5 एकर्स, जिसमें से 4 टावर जो हैं अभी लॉन्च हो रहे हैं और 1 टावर जो है बाद में लॉन्च होगा। 1 टावर जो है 3.5 BHK का है और जो 3 टावर्स है दोज आर ऑफ 4.5 BHK। जो लास्ट वाला टावर होगा वो भी 4.5 BHK का होगा और वो बाद में लॉन्च होगा। इसके अंदर जो साइजेस हैं
वो तकरीबन 2600 स्क्वायर फीट के हैं और जो 4.5 BHK का साइज है वही तकरीबन आपको 3800-3600 के आसपास अप्रॉक्स साइज है। अब इसके ऊपर आपको पेंट हाउस भी मिलता है। अगर आप 3.5 BHK वाले पेंट हाउस में ऊपर जाते हो तो आपको दो पेंट हाउसेस मिलते हैं और वो तकरीबन 4100 स्क्वायर फीट के हैं। वही अगर आप 4.5 BHK वाले पे आप जाते हो तो तकरीबन 5500 स्क्वायर फीट के आसपास के पेंट हाउसेस आपको इसके अंदर मिलते हैं। लिमिटेड पेंट हाउस आपको इसके अंदर मिलेंगे। अगर आपको वो भी खरीदना हो तो वो भी एक वन ऑफ द वेरी गुड बाई होगा, क्योंकि जो नीश प्रोडक्ट के रूप में पेंट हाउस होता है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, खासकर ऐसी लोकेशन पे जहां इतनी पीसफुल एनवायरनमेंट है, जहां पे आपको बहुत ही अच्छा लग्जरी जैसा फील होगा जब आप यहां पे रहने आओगे। सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स 600 फैमिलीज होंगे इस पूरे 10.5 एकर्स में। अभी तक पूरी लोकेलिटी में सिर्फ DLF द आर्बर ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको लो डेंसिटी प्रोजेक्ट कहा जाता था। 25 एकड़ में तकरीबन 1300-1400 अपार्टमेंट, तो यहाँ पे 10.5 एकर्स में अप्रॉक्स 600 अपार्टमेंट से पार है, तो उससे भी लोअर डेंसिटी आपको इसके अंदर मिलता है। उसकी जो एवरेज आउट थी 62 फैमिलीज पर एकड़ के रूप में थी और यहाँ पे आपको 59 या 58 फैमिली पर एकड़ के रेशियो पे आपको यहाँ पे मिलता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड बाय अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप इसके अंदर अपना घर खरीदना चाहते हो। पेमेंट प्लान भी इसकी थोड़ी अच्छी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग साइट विजिट पर मिलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं साइट विजिट पे, क्योंकि इसका भी रेरा आने वाला है और रेरा आने के बाद जो लॉन्चिंग प्राइस होगी, जो पहले जो अलॉटीज होंगे उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी एस्केलेटेड होगी। तकरीबन इनॉग्रल कर वर्कर 21 से 22 हज़ार के आसपास का एक्सपेक्टेड प्राइस है और जब लॉन्च होगा तो वही तकरीबन 23-24 हज़ार के आसपास का हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई से दिस इज अ वेरी गुड बाय ऑन एक्सटेंशन रोड। जो भी नए लॉन्चेस आए हैं M3M का हो चाहे अनंतराज का, उन सबके कंपेरिजन में दिस इज अ वेरी वेरी गुड लोकेशन एंड दैट इज व्हाई ट्रस्टेबल ब्रांड लाइक सिल्वरग्रेड अगर कोई लाए तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी गुड बाय फॉर यू। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसमें अगर आपको बुकिंग करना है तो ये जो नंबर आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आप मुझे कॉल करें, मुझे टेक्स्ट करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।